सेक्टर में काम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए। तो सेल्फ एडजस्ट करने का मतलब ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। रीसेट हो जाने के बाद जो है इस ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा, देखिए मेनू डिस्प्ले, अभी 10x पे, यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मतलब जितना कम रखिएगा सिग्नल उतने ही देर में भाग जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 10x पे रखना है। ये रिकॉर्ड का मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग चल रहा है ये भी रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड करके अपने इंटरनल मेमोरी में रखेगा, आप यहाँ से ले सकते हैं या लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इसकी, ठीक है जी। तो ज़्यादा उधर में नहीं जाना, हमें अपने काम से माइक, लैंग्वेज क्या होना चाहिए हमेशा इंग्लिश होनी चाहिए। देख लीजिए जो जो लैंग्वेज है इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि वो रशियन है तो अपना लैंग्वेज क्या करेगा, रशियन रखेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिर ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या मिलता है आपको, फिर यहाँ पे रीसेट मिल रहा है, स्क्रीन मिल रहा है, क्या है ब्राइटनेस है, ये सब कुछ नहीं करेंगे, जितने पे है उतने पे। यूटिलिटी में सिर्फ एक सेल्फ एडजस्ट का ऑप्शन है, वही काम आपने करना है। फिर जो है एक्वायर पे आएगा, ठीक है जी। एक्वायर में मोड दिया होगा, किस मोड में आप करना चाहते हैं। तो अभी हमारा सिंपल मोड है, सिंपल मोड जो है पिक है, एवरेज है, मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ पिक पे, ठीक है जी, पिक पे, ठीक है जी। यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, सिग्नल जब चेक करेंगे तो उसमें आपको वेरिएशन आएगा, लेकिन रखना कहाँ पे है आपने, सैंपल मोड पे, जो सेटिंग है उसी पे रखना है, सैंपल पे ही रखना है, ठीक है जी। फिर अब ये क्या है, सैंपलिंग, सैंपलिंग रियल टाइम, इसके लिए ये F2 पे बन जाएगी, F2 नहीं है, इसके सामने F3 है, F3 पे क्लिक करना है, रियल टाइम पे रखिए, दो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है जी, रियल टाइम पे रखिए। ये फास्ट एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ का भी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑन में रखिए, संदीप जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, टिकट बना रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑन करके रखना है, ठीक है जी। अब आइए एक्वायर में, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके ग्रुप में लिख, ला दिया भाई, अगर वोल्ट को सिर्फ सेलेक्ट किया तो हमने जैसे क्रिस्टल को चेक किया है तो यहाँ पे नहीं दिखाता ना, सिर्फ वोल्ट दिखाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो वोल्ट हमें नहीं सेलेक्ट करना है, ट्रैक सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे टाइम, अभी भी फ्रीक्वेंसी का नहीं, यहाँ पे ट्रैक लेकर आपको